में लगातार नाबालिग लड़कियों के साथ रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी तरह की घटना एक बार फिर सामने आई। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग लड़की को क्षेत्र में रहने वाले 5 लोगों ने निशाना बनाया और रेप की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि बाणगंगा क्षेत्र में रहने वाले रहवासियों ने पुलिस को सूचना दी थी कि क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ क्षेत्र में रहने वाले 5 लड़कों के द्वारा रेप की घटना को अंजाम दिया गया और इस तरह से आरोपी नाबालिग लड़की के बीते 1 साल से अपनी हवस का शिकार बना रहे थे। वहीं लड़की को इस तरह से धमका दिया गया कि वह किसी को भी कुछ नहीं बता रही थी, लेकिन इसी युवक की हरकत से वह गर्भवती हो गई और 7 महीनों के गर्भ हो गया, जिसके बाद नाबालिग लड़की ने क्षेत्र के रहवासियों के साथ आकर आरोपी 5 लड़कों के खिलाफ रेप का प्रकरण दर्ज करवाया। वहीं पुलिस ने नाबालिग लड़की की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। अतः इस घटना से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि शहर के नागरिक जागरूक हो गए तो किसी भी बड़ी घटना के आरोपियों को पुलिस आसानी से पकड़ सकती है। सर बताएं, कुशवाहा नगर निवासी एक 15 साल की बच्ची के साथ में 4 लड़कों ने गलत काम किया था और बच्ची इस दौरान प्रेग्नेंट हो गई थी। 6 महीने की प्रेगनेंसी है उसकी और इन बच्चों ने उसे जान से मारने की उसको तथा उसके पिताजी को जान से मारने की धमकी दिया था। इस कारण से उसने रिपोर्ट नहीं लिखाया था और जब आस पड़ोस वालों को कुछ लोगों को पता चला तब उन्होंने इनको जाके बताया कि पुलिस कार्रवाई करेगी, आप पुलिस को सूचना दीजिए। तब ये जाकर आज रिपोर्ट करने आए और इनकी रिपोर्ट पर FIR दर्ज की गई तथा 4 में से 3 आरोपियों को अभी पकड़ लिया गया है। आरोपी सर कहाँ के रहने वाले हैं? उसके आरोपी कुशवाहा नगर के ही रहने वाले हैं, उसी मोहल्ले के हैं। आरोपी के अलावा और भी कई प्रकरण दर्ज है इसके अलावा? आरोपियों के पुराने मामलों की अभी जांच पड़ताल की जाएगी।